हेलो दोस्तों, जय साईं राम, साईं बाबा की जय। आज हम कहानी सुनेंगे साईं बाबा के भभूति का चमत्कार। आज हम कुछ ऐसे चमत्कारों की कहानी सुनेंगे जो हमने शायद कहीं सुनी हो या इनकी पुस्तक में पढ़ी हो। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। दामोदर तथा अपने कुछ और शिष्यों के साथ जब साईं बाबा तात्या के घर पहुंचे तो तात्या बेहोशी में ना जाने क्या बोल रहा था। बायजाबाई उसकी माता उसके सिरहाने बैठी उसका माथा दबा रही थी। तात्या बहुत कमजोर नजर आ रहा था। उसकी माता साईं बाबा को देखते ही खड़े हो गईं। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा उतरा हुआ था। साईं बाबा ने तात्या की कमजोर अवस्था को देखा तो वह उसके सिरहाने बैठ गए तथा दुपट्टे से भभूति निकाल कर उसके माथे पर मलने लगे। साईं बाबा के होंठों पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। दामोदर तथा अन्य शिष्य बड़े ध्यान से यह सब कुछ देख रहे थे। तात्या के होंठ आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। वह कुछ बड़बड़ा रहा था। उसका खुद ब खुद बड़बड़ाना इतना अस्पष्ट था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक तात्या के होंठों से निकला साईं बाबा, इसी के साथ उसने आंखें खोल दी। तात्या, क्या हुआ? साईं बाबा ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम जब नहीं आए तो खुद तुम्हारे पास चला आया। पूछते हुए उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। बाबा आपके पास से आया तो खाना खाकर सो गया था, ऐसा सोया कि अब जाकर आंखें खुली हैं, तात्या ने बताया। कल से तू बुखार में तप रहा है, बायजा ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। मैंने पूरी रात तेरे सिरहाने बैठकर बिताई है। बुखार? मुझे बुखार कहाँ है, मेरा बदन तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। तात्या ने अपना दायां हाथ बढ़ा दिया और फिर दूसरा हाथ दामोदर की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो दामोदर, तुम भी देखो, क्या मुझे बुखार है? बायजा और दामोदर दोनों ने तात्या का हाथ देखा। उसे अब बुखार नहीं था। बायजा ने जल्दी से तात्या के माथे पर अपनी हथेली रखी, जो माथा थोड़ी देर पहले बुखार से तप रहा था, अब वो बर्फ की मंदित ठंड पड़ा था। बायजा और दामोदर आश्चर्य से साईं बाबा की तरफ देखने लगे। प्रत्युत्तर में बाबा मंद मंद मुस्कुरा दिए। बायजा बाई यह चमत्कार देखकर हैरान रह गई थी। तभी साईं बाबा ने कहा, माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, रोटी नहीं खिलाओगी? बायजा इनकी इच्छा सुनकर हड़बड़ाई, फिर कुछ संभल कर कहा, क्यों नहीं, अभी लाई, कहकर तेजी से रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जब बायजा बाई लौटी तो उसके हाथ में थाली थी जिसमें कुछ रोटियां और दाल से भरी कटोरी रखी थी। बाबा ने अपने दुपट्टे के कोने में वे रोटियां बांध ली और तात्या की ओर देखकर बोले, चलो तात्या, आज तुम मेरे साथ ही भोजन करना। तात्या तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले वह तेज बुखार में तप रहा था, और ना ही कमजोरी ही थी। जरा ठहरो बाबा, मैं कुछ और रोटियां ले आऊं। नहीं माँ, ये रोटियां ही बहुत हैं, हम सबका पेट भर जाएगा, साईं बाबा ने कहा। फिर वह सभी के साथ द्वारका माई की ओर प्रस्थान कर गए। उन सभी के जाने के बाद बायजा बाई चिंता में पड़ गई। उसने कुल चार ही रोटियां तो दी थी, इतने में कैसे सबका पेट भरेगा। अतएव उसने जल्दी जल्दी और रोटियां बना डाली। फिर वह रोटियां लेकर जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ चल दी। जब वह खाना लेकर द्वारिका माई पहुंची तो साईं बाबा सभी के साथ बैठे भोजन कर रहे थे। पांचों कुत्ते भी उनके पास बैठे थे। बायजा बाई ने रोटियों की टोकरी साईं बाबा के सम्मुख रख दी। तुमने बेकार ही कष्ट उठाया माँ, मेरा तो पेट भर गया। इन लोगों से पूछो
पूछ लो, अगर इनसे इन्हें जरूरत हो तो दे दो। साईं बाबा ने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाकर लंबी डकार लेते हुए कहा। भाईजाबाई ने एक एक करके सभी से पूछा, सब ने यही कहा कि उनका पेट भर चुका है। फिर उन्होंने रोटी के कुछ टुकड़े कुत्तों के सामने डाले, परंतु कुत्तों ने उन टुकड़ों की ओर देखा भी नहीं। अब बायजा के आश्चर्य का ठिकाना न था। उसने साईं बाबा को कुल 4 रोटियां दी थीं। उन 4 रोटियों से भला इतने आदमियों और कुत्तों का पेट कैसे भर गया, वह कुछ समझ न पा रही थी। उसे साईं बाबा के चमत्कार का पता न था। एक प्रकार से यह उनका एक और चमत्कार था जो वह प्रत्यक्ष देख रही थी। शाम तक तात्या के बुखार उतरने की बात गांव के कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। भभूति का दूसरा चमत्कार। तात्या का बुखार भभूति मात्र से उतर जाने की खबर पंडित के कानों में पहुंची तो वह आग बबूला हो उठा। धुनी की भभूति माथे से लगाते ही तात्या का बुखार एकदम से उतर गया। एक व्यक्ति ने पंडित जी से कहा, अरे जा जा, यह भला कैसे संभव हो सकता है। सुबह दबोलकर खुद तात्या को देखकर आया था। उसका बदन आग की तरह तप रहा था। वह तो रात से ही तेज बुखार में बेहोश पड़ा था और बेहोशी में ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। इतना तेज बुखार और सन्निपात चुटकी भर धुनी की राख से छुमंतर हो जाए तो फिर दुनिया में वैद हकीम का काम ही क्या रह जाएगा। पंडित जी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। यह बात बिल्कुल सच है पंडित जी, उस व्यक्ति ने कहा, और इससे भी ज्यादा एक और हैरानी की बात हो गई है। पंडित जी उसे तो सुनिए। वह क्या? पंडित जी का दिल धड़क उठा कि कैसे अनहोनी सुनने की को मिलेगी। साईं बाबा ने तात्या के घर जाकर उसकी माँ से खाने के लिए रोटियां मांगी। उसने कुल 4 रोटियां दी थीं। उस समय साईं बाबा के साथ दामोदर और कई गांव के अन्य लड़के भी थे। बायजा ने सोचा कि 4 रोटियों से भला इतने आदमियों का पेट कैसा भरेगा। फिर साईं बाबा के कुत्ते भी तो साथ ही खाना खाते हैं। बायजा बाई ने तुरंत ही और रोटियां बनाई। रोटियां लेकर मस्जिद पहुंची तो सबने यही कहा कि उनका पेट तो भर चुका है। बायजा ने एक रोटी तोड़कर कुत्तों के आगे डाली, लेकिन कुत्तों ने उस रोटी को सूंघा भी नहीं। अब आप ही बताइए, सब लोगों के हिस्से में मुश्किल से चौथाई रोटी आई होगी, फिर उन सबका पेट कैसे भर गया। एक एक आदमी 4-5 रोटियों से कम तो खाता नहीं है, लेकिन उसका एक टुकड़े में ही कैसे पेट भर गया। है ना कुछ तो चमत्कार। बकवास मत करो, यह सब बेकार की बातें हैं। पंडित पूरी तरह झल्ला कर बोले, सब कुछ झूठ। इनमें से किसी एक बात पर मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं। जो दिन रात गांजे के लोभ में उससे चिपटे रहते हैं, ये सब उन्हीं लफंगों की रची मनगढ़ंत कहानी है। खुद भी साईं बाबा गांजा पीता है तथा गांव के बाकी युवाओं को भी वह गजेड़ी बना रखा है, बनाकर रख देगा। पंडित जी को यह सूचना जिस आदमी ने दी थी, उस आदमी की बीवी का इलाज पंडित जी कर रहे थे। साईं बाबा के प्रति पंडित जी तो पहले ईर्ष्या व देश की भावना रखते थे। यह बाबा का तो कुछ बुरा कर नहीं सकते थे, मगर उस आदमी के होठों से बाबा की प्रशंसा सुनकर जल भुन गए। वह उस पर पूरा गुस्सा उतारते हुए बोले, अगर तुझे इतना ही यकीन है कि भभूति लगाते ही तात्या का बुखार उतर गया, तो तू खुद अपनी पत्नी का उपचार बाबा से क्यों नहीं करा लेता। तू मेरे पास क्या लेने आता है। जा अपने साईं बाबा के पास जा, मैं आज से ही तेरी पत्नी का इलाज बंद करता हूँ। अब तू जा और जाकर उसी ढोंगी से भभूति लेकर आ और अपनी पत्नी के जिस्म पर मल ले, जिसकी टीबी की वजह से सिर्फ मुट्ठी
पर हड्डियां बाकी बची हैं। भभूति मलते ही सारी बीमारी क्षण भर में छूमंतर हो जाएगी। पंडित जी ऐसा मत करो, वह आदमी हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं साईं बाबा की प्रशंसा कब कर रहा हूँ, मैंने तो केवल सुनी हुई बात बताई थी। खामोश रह, वही आज से तेरी पत्नी का इलाज करेगा, पंडित जी ने दृढ़ता भरे अंदाज में कहा। पंडित जी का गुस्सा उस पर हर क्षण बढ़ रहा था। पंडित जी के आगे उस आदमी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, परंतु पंडित जी टस से मस ना हुए, बल्कि गुस्से से बोले, मैं जात का ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण एक बार जो कुछ कह देता है वह अटल होता है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब इसे पत्थर की लकीर समझना। पंडित जी के चबूतरे पर मौजूद और लोगों ने भी दादू की सिफारिश की, लेकिन पंडित जी अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। गुस्से में भर कर बोले, मेरी खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है, चला जा अपने साईं बाबा के पास, उन्हीं से ले आ चुटकी भर धुनी की राख, उसे अपनी अंधी माँ की आंखों में डाल दे, उस अंधी को भी दिखाई देने लगेगा, उसे मल देना अपनी अपाहिज बहन के हाथ पैरों पर, वह भी दौड़ने लगेगी, अपनी घरवाली को भी लगा देना, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जा भाग जा यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी मेरे चबूतरे पर चढ़ने की कोशिश भी की, हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा। जिस तरह पंडित जी ने दद्दू को फटकारा था उससे उसकी आंखों में आंसू भर गए, वह फूट फूट कर रोने लगा, मगर पंडित जी जरा भी द्रवित नहीं हुए। दादू हार कर दुखी मन से अपने घर लौट आया। अब दादू की आंखों के आगे अपनी माँ बहन और बीमार पत्नी के चेहरे घूम रहे थे। उसने घर के आंगन में कदम रखा कि पत्नी के खांसने की आवाज उसके कानों से टकराई। वह लपक कर कोठरी में पहुंचा। पिछले कई वर्ष से उसकी पत्नी इसी तरह चारपाई पर पड़ी हुई थी। क्या बात है सीता, दादू ने उससे पूछा। सीता का शरीर एकदम जर्जर हो गया था, शरीर के नाम पर वह केवल हड्डियों का ढांचा बन गई थी। उसकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही थी। दादू को आया देख उसकी अपंग बहन भी वहां आ गई, बोली, तुम कहाँ चले गए थे भैया, भाभी की तबीयत आज बहुत खराब है, पहले जोरों की खांसी उठती है और खांसते खांसते खून भी फेंकने लगती है, जल्दी से पंडित जी को बुला लाओ, उसका स्वर घबराया सा था। दादू ने मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ देखा, उसकी पत्नी सीता दोनों हाथों से अपना सीना पकड़े हाँफ सी रही थी, शायद बलगम गले की नली में अटक गया था जिसके कारण उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। दादू ने उसे सहारा देकर चारपाई पर लिटा दिया और अपने हाथों से उसकी पीठ सहलाने लगा। बेटा जा वैद्य जी को बुला ला, बहू की हालत आज ठीक नहीं है, दादू की अंधी माँ ने रूंधे स्वर में कहा, मुझे दिखाई भी नहीं देता लेकिन बहू की सांस से ही मुझे समझ गई हूँ कि आज उसकी हालत ठीक नहीं है। दादू जानता था कि पंडित बहुत ही जिद्दी आदमी है, वह किसी भी हालत में नहीं आएगा। कुछ पलों तक वह मन ही मन कुछ सोचता रहा, फिर तेजी से घर से निकला और द्वारका माई मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। उसका मन बेहद घबरा गया था, साईं बाबा के अतिरिक्त अब कोई दूसरा सहारा नहीं उसे दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह द्वारका माई मस्जिद में पहुंचा तो वहां साईं बाबा के पास कई लोग बैठे थे। साईं बाबा अचानक दादू की घबराई हुई आवाज सुनकर सब लोग चौंक पड़े। उन्होंने पलटकर दादू की तरफ देखा, उसके चेहरे पर घबराहट और पीड़ा झलक रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या बात है दादू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, साई बाबा ने उसे अपने पास आने का संकेत करते हुए पूछा। दादू उनके पास पहुंच गया, उसने रो रो कर पंडित जी की सारी बातें साई बाबा को बतला दी।
साईं बाबा मुस्कुरा उठे, बोले जरा सी बात से ही तुम इतना घबरा गए, तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने तुम्हें सही सलाह दी है। और वह खिलखिलाकर हंसने लगे। सब चुपचाप बैठे दादू की बातें सुन रहे थे। बाबा श्री ने धुनी में से एक-एक करके तीन चुटकी भभूति उसकी हथेली पर रख दी और बोले, इस भभूति को ले जाओ और हमने जिस जिस तरह बताया है उसी तरह प्रयोग करो, तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। साईं बाबा ने बड़े सहज भाव से ये सारी बातें कही। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। साईं बाबा ने बड़े सहज भाव से ये सारी बातें कही। सब आश्चर्य से उनके मुख की तरफ देख रहे थे। दादू ने साईं बाबा के चरण स्पर्श किए और अपने घर की तरफ चल दिया। पंडित जी ने साईं बाबा के बारे में जो कुछ कहा था उसे सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। साईं बाबा जिस दिन गांव आए थे उसी दिन से पंडित जी जैसे हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए थे। उन्हें दिन रात जैसे साईं बाबा के बारे में विष उगलने के अतिरिक्त कोई और काम ही न था, मगर साईं बाबा को जैसे पंडित जी की कोई फिक्र नहीं थी। दादू भभूत लेकर तेजी के साथ अपने घर आया। उसे बहुत चिंता थी मगर साईं पर भी पूरा विश्वास था। जैसे कि साईं बाबा ने बताया था वैसे ही करने का निश्चय उसने किया। दिल ही दिल में उसे बड़ी सांत्वना मिल रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि अब सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर पहुंचने पर दादू ने अपनी पत्नी को भभूत देने से पहले अपनी अंधी माता की आंखों में भभूत सुरमे की मंडित लगा दी तथा थोड़ी सी भभूत अपनी अपाहिज बहन को देकर कहा, बाबा की भभूत है यह, इसे अपने हाथ पैरों पर लगा लो। बेहोश पड़ी अपनी पत्नी का मुंह खोलकर दादू ने थोड़ी सी भभूत उसके मुंह में डाल दी। शेष एक कपड़े में बांध कर पूजा घर में रख दी। फिर अपनी पत्नी के सिरहाने आकर बैठ गया। कुछ पलों बाद ही उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी की उखड़ी हुई सांसें ठीक हो रही हैं। अब उसके गले में जरा भी गड़गड़ाहट नहीं हो रही है। चेहरे से तनाव तथा पीड़ा भी पहले की अपेक्षा कम हो गई है। फिर कुछ और देर पश्चात सहसा सीता ने आंखें खोल दी तथा फिर बिना किसी सहारे के वह उठकर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है सीता? दादू ने प्रश्न किया। जी मचला रहा है, शायद उल्टी होगी, सीता ने उत्तर में कहा। ठहरो, मैं कोई बर्तन लाकर तुम्हारी चारपाई के पास रख देता हूँ, तुम्हारा बिस्तर से उठना ठीक नहीं है, दादू ने कहा। फिर वह उठकर बाहर चला गया। सीता को हिचकी आ रही थी। उसने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन रोक न पाई। वह बिस्तर से उठने लगी। यह क्या कर रही हो भाभी, तुम उठो मत, लेटी रहो, चारपाई के नीचे उल्टी कर दो, मैं खुद साफ कर दूंगी, सीता की अपाहिज नंद ने उसे समझाया। मगर सीता ने अपने पैरों पर पड़ी चादर हटा दी और दोनों पैर उतार कर कोठरी के फर्श पर रख लिया। सीता हिम्मत कर बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई, पर उठते ही उसे चक्कर से आने लगे। उसने घबरा कर दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, परंतु दीवार उसकी पहुंच से काफी दूर पर थी। वह दीवार का सहारा नहीं ले पाई और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। भाभी, सावित्री के मुंह से एक चीख निकली और उसने झपट कर सीता को अपनी दोनों बाहों में भर लिया और फिर उसे दोनों हाथों से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। और जैसे ही उसने सीता को बिस्तर पर लिटाया, आश्चर्य भरी एक चीख सी उसके होंठों से निकल पड़ी। क्या हुआ बेटी? अचानक अंधी माँ ने सीता के बिस्तर की ओर बढ़ते हुए पूछा और फिर झुककर बेहोश सीता के चेहरे पर बिखरे बालों की लटें बड़े प्यार से हटाते हुए पीड़ा व दर्द भरे स्वर में बोली, कितनी कमजोर हो गई है, चेहरा भी कितना पीला पड़ गया है, लगता है जैसे किसी ने चेहरे पर हल्दी पोत दी हो। माँ आश्चर्य और हर्ष से फिर एक बार सावित्री की चीख पड़ी। उसने माँ के दोनों कंधे पकड़कर उनका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और ध्यान से उनके चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी उसकी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थीं। इस तरह पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है?
तो मुझे माँ ने सावित्री की फटी फटी आंखों और उसके चेहरों पर छाए आश्चर्य को देखकर पूछा, माँ क्या तुम्हें भाभी का पीला पीला चेहरा दिखाई दे रहा है? सावित्री ने तेजी से पूछा। सब कुछ दिखाई दे रहा है, यह तू क्या कह रही है बेटी? सहसा माँ भी हैरान रह गई और बोली, यह क्या चमत्कार है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मैं तो अंधी थी। दादू माँ की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया और फिर विस्मित सा पत्थर की मूर्ति बन गया। बहन हाथ पैरों से अपाहिज थी, माँ के कंधों पर हाथ रखे सीता की चारपाई के नजदीक खड़ी थी। अंधी माँ अपनी आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दादू के होंठों से अचानक ही निकला साईं बाबा की जय। वह पागलों की मन्नत दौड़ता हुआ घर से निकल गया। वह गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर पागलों की भांति दौड़ा जा रहा था। उसका मुंह द्वारका माई मस्जिद की तरफ था, साथ ही वह साईं बाबा की जय हो भी कहता चला जा रहा था। कुछ लोगों ने दादू को रोक कर पूछा, क्या हुआ दादू? मगर दादू अपनी धुन में मस्त मस्त शोर मचाता हुआ दौड़ता ही जा रहा था। उसने लोगों की बात का कोई उत्तर न दिया। लोगों ने उससे अपना प्रश्न दोहराया तो वह बोला, मेरे घर जाकर देखो, साईं बाबा का चमत्कार। दादू यह कहकर दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी ऐसी दशा देखकर एक व्यक्ति ने कहा, लगता है दादू की पत्नी चल बसी, उसी के गम में वह पागल हो गया है। तभी पंडित ने कहा, पत्नी तो चल बसी, अब अपाहिज बहन और अंधी माँ भी जल्दी ही चल बसेंगे। देख लेना, एक दिन गांव के सभी लड़कों का यही हाल होने वाला है, जो दिन रात उस ढोंगी के पास बैठे रहते हैं। फिर अचानक पंडित की नजर उन लोगों पर पड़ी जो कि एक गुट बनाए दादू के घर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने इधर उधर देखा चबूतरे पर, उनके अतिरिक्त कोई न था। सब लोग वहां से उठकर दादू के घर की ओर जा चुके थे। दादू की बात का सारे गांव में शोर हो गया था। साईं बाबा की भभूत से दादू की माँ की आंखों की रोशनी आ गई। अपाहिज बहन ठीक हो गई, टीबी की रोगी उसकी पत्नी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। गांव भर में चर्चा फैल गई। दादू के घर के सामने लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साईं बाबा का चमत्कार देखकर सब दंग रह गए थे। दादू रह रहकर साईं बाबा की जय के नारे लगा रहा था। लोग उसकी पत्नी माँ और बहन को देखकर आश्चर्य से भर जाते थे। आज गांव का हर व्यक्ति, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सब साईं बाबा के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया था। बाबा वाकई एक चमत्कारिक पुरुष थे, सबको इसका विश्वास हो गया। गांव भर में साईं बाबा की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लेकिन पंडित जी इस घटना से और भी ज्यादा बौखला गए थे। वे बाबा के विषय में अनाप शनाप बकने लगे, किंतु गांव वालों ने पंडित जी को की बातों पर कोई ध्यान न दिया, कोई उनकी बात सुनने को तैयार न था। गांव वालों का अपने प्रति ऐसा रवैया देखकर पंडित जी चिड़चिड़ा उठे, मगर बदकिस्मती से किसी के पास उनकी चिड़चिड़ाहट को देखने का भी समय नहीं था। जय साईं राम, जय साईं श्याम, साईं बाबा की जय हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।